हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में एक्सप्लेन कर चुका था। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन गिवन है इफ पी क्यू पैरेलल एच टी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल 110 एंड एंगल आर एच टी इक्वल 130 फाइंड क्यू आर एस। और ये हमारा इमेज ड्रा होता है, एंगल क्यू 110 और एंगल एस बनता है 130 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस ड्रा एक लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एच टी। हम पहले एक्स और वाई के रूप में एक लाइन पैरेलल करते हैं, किसके, एच टी और पी क्यू के इक्वल। और ये कहाँ से जाता है, जो कि पास करता है पॉइंट आर से। तो अब हम देखते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर क्यू आर एक्स इक्वल टू होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एंगल ऑन द सेम साइड है क्योंकि ट्रांसवर्सल का। तो अब हम देखते हैं कि 110 प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 110 क्या, तो आया 70 डिग्री। यानी अब एंगल आर इस पॉइंट पर जो बनेगा वो बनेगा 70 डिग्री का। यूजुअली अब हम देखते हैं एंगल आर एस टी प्लस एस आर और वाई इक्वल टू 180। ये भी हमारा को इंटीरियर ऑन सेम साइड है, जो कि है SR। तो अब यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एंगल S गिवन है 130 और एंगल R हमें निकालना है। तो हम कह सकते हैं 130 प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180, देन एस आर वाई इक्वल 180 माइनस 130, तो हो गया 50 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमें जो एंगल फॉर्म किया वो एंगल होता है 50 डिग्री का। अब हम देखते हैं हियर एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स और वाई हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, एंड आर क्यू एंड एस आर स्टैंड ऑन इन इट। आर क्यू और एस आर किस पर स्टैंड करते हैं, एक्स वाई पर स्टैंड करते हैं। देन एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री तो होता है 180 डिग्री, यानी ये और ये मिल करके 120 हो गया। तो अब यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब हम 180 से 120 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 60 डिग्री। तो एंगल यहाँ पर जो एंगल फॉर्म करेगा वो होगा 60 डिग्री, और ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम देखते हैं, क्वेश्चन गिवन है इफ ए बी पैरेलल सी डी और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री है, फाइंड एक्स एंड वाई। आप यहाँ देखिए एंगल ए पी और क्यू, ए पी क्यू तो यहाँ पी पर 50 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं एंगल क्यू आर एस, क्यू आर और एस के बारे में, सॉरी एंगल पी आर डी के बारे में, तो एंगल पी आर डी हमारा कितना फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है 127 डिग्री। तो हियर हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल ए पी आर, ई पी आर इक्वल टू पी आर डी, कैसा एंगल ही बनेगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 50 डिग्री था एंगल पी की वैल्यू, तो 50 प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू दिस वैल्यू आ रहा है 127। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 127 माइनस 50 किया तो आ गया 77। तो यहाँ पर y की वैल्यू हो गई 77 डिग्री। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 77 डिग्री। अब हम आते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर होता है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर होता है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा होगा, और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर यानी अल्टरनेट इंटीरियर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू
50 डिग्री होगा, क्योंकि जब ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया तो इसका ये एंगल यहाँ सेम फॉर्म कर रहा होगा जो कि 50 डिग्री होगा। तो x की जगह हम अब लिख सकते हैं 50 डिग्री। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल y इक्वल टू होता है 77 डिग्री। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।